खेल का अड्डा में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। जी हां, आज हम बात करेंगे मोहम्मद सिराज की। वो मोहम्मद सिराज कल एशिया कप के फाइनल में जिस तरीके से गेंदबाजी की, उन्होंने पूरी श्रीलंकाई टीम को समझ नहीं आया कि बॉल कहां पड़ रही है, बैट कहां लगाएं या कहां बॉल को छोड़ें। आप ये समझिए कि हैदराबाद की ईदगाह से टीम इंडिया तक का सफ़र एशिया कप के फाइनल में मोहम्मद सिराज ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से ऐसा समा बांधा कि दुनिया देखती रह गई। सिराज की स्विंग बरपाती गेंदों ने एक एक करके श्रीलंकाई बल्लेबाजों को मजबूर कर दिया पवेलियन जाने के लिए। जी हाँ, 29 साल के मोहम्मद सिराज की क्रिकेटिंग की जर्नी काफ़ी मुश्किलों से भरी रही है। कल के मैच में जिस तरीके से सिराज ने 7 ओवर में 1 मिडन 21 रन देकर 6 विकेट निकाले, ये वनडे क्रिकेट में भारतीय गेंदबाजों के इस तरह के आंकड़े कभी कभार देखने को मिलते हैं। सिराज की स्विंग बरपाती गेंदों ने एक एक करके श्रीलंकाई बल्लेबाजों को पवेलियन जाने को मजबूर कर दिया। सिराज ने फाइनल मुकाबले में अपना पहला ओवर यानी कि श्रीलंकाई पारी का दूसरा ओवर मिडन फेंका। उस ओवर में कुशल परेरा पूरी तरह परेशान दिखे। इस मिडन ओवर से ही सिराज के लिए टोन सेट कर दिया। इसके बाद अपने अगले ओवर में सिराज ने पथुम निशंका, सदीरा समर विक्रमा, चरिता अस्लंका और धनंजय डिसवला को आउट करार दिया। निशंका और सदीरा इन स्विंगर पर चलते बने, वहीं धनंजय को सिराज ने अपनी आउटर स्विंग पर फंसाया। अस्लंका फुल लेंथ गेंद पर खराब शॉट मारकर आउट हुए। आपको बताते चलें कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय गेंदबाज ने एक ही ओवर में 4 विकेट लिए। सिराज 4 विकेट लेने के बाद थमे नहीं, यानी कि जो 4 विकेट का उनका दूसरे ओवर का स्थल था उसके बाद उन्होंने सांस नहीं ली, ना उन्होंने ये सोचा कि अब हमको विकेट नहीं लेना है। उन्होंने विपक्षी टीम के कप्तान धनुष सनाका और कुशल मेंडिस को भी रवाना कर दिया। सनाका गेंद की मूवमेंट पर कच्चा खाकर बोल्ड हो गए, वहीं फास्ट आउट सिंगर को मेंडिस की गिल्लियां उड़ाई। 29 साल के मोहम्मद सिराज की क्रिकेट जर्नी काफी मुश्किलों से भरी है और उनका टीम इंडिया का सफर आसान नहीं रहा। सिराज काफी साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। सिराज का जन्म साल 1994 में हैदराबाद के फर्स्ट लांसर इलाके में एक किराए के मकान में हुआ था। आपको बता दें, सिराज के पिता मोहम्मद गयोस ऑटो रिक्शा चलाते थे जबकि उनकी माँ हाउसवाइफ थी। आपको लग रहा होगा कि हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं, तो आप समझिए इस बात को। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कल जिस तरीके से सिराज ने 6 विकेट ले लिए, सबको लगा कि सिराज ने 6 विकेट ले लिए, लेकिन उसके पीछे सिराज की क्या कहानी थी या सिराज ने कितने संघर्ष किए, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिराज के बड़े भाई इस्माइल अपने पिता की मदद करते थे और आप ये भी समझिए कि कैनवास गेंद से क्रिकेट खेलते थे सिराज, यानी कि ये बात पूरी तरीके से चौंकाने वाली है कि सिराज ने कभी औपचारिक रूप से क्रिकेट कोचिंग नहीं की। आज के डेट में आप देखते होंगे कि जिसको क्रिकेट खेलना उसकी वो विशेष कोचिंग करता है। अपने खेल के शुरुआती दिनों में वह अस्थाई ईदगाह मैदान में कैनवास से नंगे पांव गेंदबाजी करते थे। उन्होंने क्रिकेट बॉल से गेंदबाजी साल 2015 में शुरू की थी। वैसे सिराज पहले एक बल्लेबाज बनना चाहते थे, हालांकि बाद में वह गेंदबाजी में अच्छा किया, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और आगे चलकर उनको टूर्नामेंट में खेलने को मौका मिला और टूर्नामेंट खेलकर वो अपनी प्रतिभा को निखार पाए। सिराज की मेहनत रंग लाई और उन्हें साल 2015-16 के रणजी सीजन में हैदराबाद की ओर से अपना प्रथम श्रेणी डेब्यू किया। आपको बता दें कि सिराज ने अपने दूसरे रणजी सीजन में हैदराबाद के लिए 9 मैचों में 41 विकेट लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पहला सीजन उनका था वो बहुत खास नहीं था, लेकिन दूसरे सीजन में 9 मैचों में 41 विकेट लेकर सिराज ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया। सबको ये समझने पर मजबूर किया कि सिराज के अंदर खासियत है। इस शानदार प्रदर्शन के चलते उन्हें ईरानी ट्रॉफी के लिए शेष भारत टीम में चुना गया। वहीं आपको बता दें, जुलाई 2017 में वह साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारत ए टीम में सेलेक्ट किए गए। दमदार प्रदर्शन को देखकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी की टीम ने सिराज को आईपीएल 2017 में पहले सीजन में उनको 2.6 करोड़ रुपए की नगद कीमत में अपने साथ जोड़ लिया। सिराज ने उसी साल नवंबर के महीने में न्यूजीलैंड के खिलाफ राजकोट में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। T20 डेब्यू करने के बाद सिराज ने अपने परिवार के लिए एक घर खरीदा, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि उनके पिता कभी ऑटो रिक्शा नहीं चलाएंगे। फिर सिराज ने जनवरी 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया। चलिए अब बात करते हैं कि सिराज के दिव्यांगत पिता का सपना क्या था। सिराज के पिता का सपना था कि उनका बेटा टेस्ट क्रिकेट खेले। मोहम्मद गौस का मानना था कि असली क्रिकेट टेस्ट मैच में है। सिराज ने अपने दिवंगत पिता का सपना 2018 में पूरा किया।
जब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 26 दिसंबर 2020 को मेलबर्न टेस्ट में उतरे। उस डेब्यू टेस्ट मैच में सिराज ने कुल 5 विकेट लेकर सबको प्रभावित किया। सिराज ने फिर गाबा टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर ऐतिहासिक सीरीज में अहम भूमिका निभाई। सिराज गाबा के मैदान पर पारी में 5 विकेट लेने वाले सिर्फ 5वें भारतीय गेंदबाज बने थे। जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती, उस वक्त सिराज की माँ, भाई और करीबी भावुक हो गए थे। मोहम्मद सिराज ने उस ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान ही अपने पिता को खो दिया था। आप सोच सकते हैं, जिसके पिता ने ये सपना देखा था कि लड़का मेरा आगे चलकर क्रिकेटर बनेगा और टेस्ट क्रिकेट खेलेगा, जब लड़का उसका टेस्ट क्रिकेट खेलता है तो बेटे से पिता का, आप ये कह सकते हैं, साथ छूट जाता है, बेटे के सिर से बाप का साया हट जाता है। सिराज को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि BCCI ने स्वदेश वापसी का विकल्प दिया था, लेकिन उन्होंने कहा भारतीय टीम के साथ ही रहना हमको पसंद है। सिराज ने कहा, मेरे पिता मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते थे, यह मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनका सपना था कि मैं भारत के लिए खेलूं और अपने देश का नाम रोशन करूं। मैं अपने पिता के सपने को पूरा करना चाहता हूं। सिराज ने अपने टेस्ट डेब्यू सीरीज में यादगार प्रदर्शन के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिराज ने धीरे धीरे तीनों फॉर्मेट में अपनी पैड बनानी शुरू कर दी। गाबा टेस्ट की समाप्ति के बाद सिराज अब टेस्ट से ज़्यादा वनडे इंटरनेशनल में धमाकेदार खेल दिखा रहे हैं। इस साल जनवरी में सिराज ICC के वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचने में सफल रहे थे। आप सोच सकते हैं, इतना ही नहीं, सिराज के लिए 2023 का जो ये साल था वाकई में बहुत अच्छा रहा। आप बिल्कुल साफ तौर से कह सकते हैं कि मोहम्मद सिराज के लिए 2023 साल जो गुजरा ये काफ़ी अहम था। जिस तरीके से WTC फाइनल में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर रहे, वहीं 2023 IPL में सिराज ने 19 विकेट हासिल किए, 2023 में सिराज ने ICC की नंबर 1 वनडे रैंकिंग हासिल की। तो आप साफ तौर से कह सकते हैं कि सिराज की जो मेहनत थी, जो उनका लगन था, वो कहीं ना कहीं रंग लाया और कल भारत की एशिया कप 2023 की जीत में सिराज ने अहम भूमिका निभाई। तो सिराज की ये स्टोरी आपको कितनी पसंद आई, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।